Good morning all of you, welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 8. We continue from page number 137. Today topic is larynx. After larynx is the air passes through larynx or voice box. Larynx वो होता है जो voice box होता है जिससे हमारी आवाज़ निकलती है. It is mainly composed of cartilage. It consists of two pair of members. Such air causes the vocal cords to vibrate, thus producing sound. इसमें टू पेयर्स होते हैं मेम्ब्रेन्स की, जिसमें जिससे क्या होता है कि आपके वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करती है और प्रोड्यूसिंग साउंड, और वो साउंड प्रोड्यूस करती है. ट्रेचिया ऑफ द कॉर्ड विंड पाइप, ये विंड पाइप होती है ट्रेचिया. इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्यूब विथ सिलेंड्रिकल शेप, ये एक सिलेंड्रिकल शेप टाइप का शेप होता है, ट्यूब होता है. इट इज़ लेंथ अबाउट 11.2 सेंटीमीटर. इसकी जो लेंथ होती है 11.2 सेंटीमीटर होती है, विद अ डायमीटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. और डायमीटर कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर. इट इज़ लाइड इन फ्रंट ऑफ ओसियोग्राफस एंड एक्सटेंड फ्रॉम द लेरिनक्स. लेरिनक्स के बाद जो बात के जो होती है वो होती है ट्रेशिया. देन इट्स गेट डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचिज, दो ब्रांचिज में इसको डिवाइड कर दिया जाता है. ये आपको वन फॉर ईच लंग्स. द वॉल ऑफ ट्रेचिया आर मेड ऑफ हाइलैंड कैटलाइज. ऑन द माउथ ऑफ ट्रेचिया देयर इज अ वेल्व कॉल्ड एपिग्लॉटिस. द एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड टू एंटर द ट्रेचिया. जो एपिग्लॉटिस होता है वो क्या करता है, फूड को प्रिवेंट करता है और एंटर कर ट्रेचिया क्या एंटर देता है. ब्रांची द टू ब्रांची इन टू विच ट्रेशिया डिवाइडेड डिफर स्लाइटली. द राइट ब्रांचेस इज शॉर्टर, जो राइट ब्रांच होती है वो शॉर्टर्स होती है, विंडर और मोर वर्टिकल दैन द लेफ्ट ब्रांचेस. जो लेफ्ट ब्रांचेस होती है वो वाइडर होती है, मोर वर्टिकल होती है. और दीज एंटर द राइट एंड लेफ्ट लंग्स रेस्पेक्टिवली एंड देन ब्रेक अप टू इंटू ग्रेटर नंबर ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस विच आर कॉल्ड ब्रांचियल ट्यूब्स एंड ब्रांचेज. ये आपको दे रखा है साइड में मैप नहीं डायग्राम दे रखा, डिवीजन ऑफ ब्रांचेस इनटू एलोई. डायफ्राम इज द सीट ऑफ इंटरनल स्केल्टन मसल्स. ये इंटरनल स्केल्टन मसल्स जो होता है डायफ्राम, इसको जिसको हम बोलते हैं किडनी के जो पार्ट्स होते हैं वो उसमें शो किए गए हैं. द एक्सटेंड अक्रॉस द बॉटम ऑफ रिब केज, ये रिब केज का एक रिब केज के अंदर जो चीज़ होती है उसके से घिरा होता है. द डायफ्राम सेपरेट द थर्ड कैविटी हार्ट लंग्स एंड रिब्स, सब इसके अंदर होते हैं. फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट फंक्शन इन रेस्पिरेशन. व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ थोरैक कैविटी इंक्रीज एंड एयर इन ड्रॉन इनटू द लंग्स. ये सब आपकी जो एयर है, जो हाउंड है, सब ये इसी के फंक्शंस से होते हैं. लंग्स, देर आर टू लंग्स इन आवर बॉडी, दो लंग्स आपकी बॉडी में होते हैं. लंग्स आर्बिट्रल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लंग्स. लंग्स आर कोन शेप्ड, लंग्स जो होता है कोन शेप्ड का होता है. ऑर्गन्स विद द एपेक्स अबव द बेस ऑफ द लंग्स लाइज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द थोरिक कैविटी ऑन द डायफ्राम. थोरिक कैविटी ऑन डायफ्राम. द लंग्स आर डिवाइडेड इंटू लोब्स बाय फिशर्स. द लेफ्ट लंग हैज टू लोब्स. जो लेफ्ट लंग होते हैं उसमें टू लोब्स होते हैं और जो राइट लंग होते हैं उसमें थ्री लोब्स होते हैं. Each of these lobes enter a lobule and it is divided by and subdivided. It walls becomes thinner and thinner. Finally, these end in their sacs of the lung. जो आपका air sacs करती है और lungs को thinner छोटा कर. Types of respiration. There are two types of respiration. External respiration, internal respiration. The detail are given below. दो type की होती है, एक तो अंदर सांस लेते हैं और external बाहर छोड़ते हैं. दो टाइप की एक्सटर्नल O2 इज टेकन इन व्हेन वी इनहेल. इट्स मूव थ्रू नोज ट्रेशिया एंड ब्रॉन्चिकल ट्यूब्स. इट्स एलोवे. क्या क्या ऑक्सीजन क्या होता है, O2 इज टेकन व्हेन इनहेल. अब जैसे ही ऑक्सीजन अंदर लेते हो, इट्स मूव थ्रू नोज. ये कहाँ से जाती है, नोज के थ्रू जाती है. फिर ट्रेशिया से और टर्स होते हैं, ब्रॉन्चिकल ट्यूब्स से होती हुई एलोवेल होती है. There is to come to into a close contact with the blood in the pulmonary capillary. फिर ये blood के through pulmonary capillaries में जाती है. Only single membrane separate the oxygen from the blood. O2 passes through the member and is taken up the hemoglobin of RBC. ऑक्सीजन क्या लेके जाती है, अपने ब्लड हमारे ब्लड को RBC को कहाँ तक लेके जाती है. After that is carried to the heart from heart तक लेके जाती है ब्लड को. From where? It is pumped throughout the body
In the same way, in the lungs, CO2 passes through the membrane from blood to alveoli. CO2 comes out through bronchus, trachea and the nose. और जो CO2 है वो कम आउट फ्रॉम द ब्रांचेस एंड ट्रेशिया एंड द नोज के थ्रू वो बाहर निकलती है. इंटरनल इज रेस्पिरेशन. द एक्सचेंज O2 एंड CO2 इन द टिश्यूज कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल रेस्पिरेशन. इट इज कंसिस्ट ऑफ द पैसेज ऑफ O2 फ्रॉम द ब्लड इन टू द टिश्यूज फ्लूड एंड फ्रॉम द टिश्यूज फ्लूड इन टू द टिश्यूज सेल एंड द पैसेज ऑफ CO2 फ्रॉम द सेल इन टू द टिश्यूज फ्लूड एंड फ्रॉम द टिश्यूज फ्लूड इन टू द ब्लड. CO2 अपन इंटरनल लेते हैं, CO2 हम उसको बाहर निकालते हैं. देर वॉज इंटरनल रेस्पिरेशन. इट्स कंसिस्ट द पैसेज ऑफ टू ब्लड इन टू द टिश्यूज फ्लूड. जो ब्लड है आपका, ब्लड ऑक्सीजन क्या करता है, आपके ब्लड को जो है टिश्यूज फ्लूड तक प्रोवाइड कराता है एंड फ्रॉम द टिश्यूज फ्लूड इन टू द टिश्यूज सेल्स में कन्वर्ट करता है. एंड द पैसेज ऑफ CO2 द फ्रॉम द सेल इन टू द टिश्यूज फ्लूड एंड फ्रॉम द टिश्यूज फ्लूड इन टू द ब्लड. नाउ इट इज क्लियर दैट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एज प्रोसेस टू that take place in the lungs. Internal respiration is a process that take place in cell to that make up tissues. Function of respiratory system. क्या function होता है respiratory system के? The continuous supply of oxygen indispensable for survival of if this supply is suspended for more than 4 minutes. अगर आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, अगर सांस को 4 मिनट के लिए रोक दिया तो द इंडिविजुअल यूजली डाइज. वो पर्सन क्या हो जाएगा, मर जाएगा. फ्रॉम द इंडिविजुअल यूज डाइज. और अगर उसको 4 मिनट तक अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुई तो वो उसकी मौत हो जाएगी. सो द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू सप्लाई ऑक्सीजन. उसका मेन फंक्शन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन को सप्लाई करना. सिस्टम इज सप्लाई ऑक्सीजन टू सेल ऑफ द बॉडी कंटिन्यूसली. और जो आपकी ऑक्सीजन के टू सेल ऑफ द आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना कंटिन्यूसली. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. उसका जो नेक्स्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, CO2. CO2 क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है. दीज ऑफ टू फंक्शन परफॉर्म इंटरनल एक्सटर्नल एक्सप्रेशन. ये दो जो फंक्शन है, एक तो इंटरनल काम, एक इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिस्टम काम करता है. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द लंग एक्सपैंड टू टेक इन एयर एंड आफ्टर डेट कॉन्टेक्ट टू एक्सपायर द एयर आउटसाइड. रेस्पिरेशन सिस्टम क्या करता है, एयर को अंदर लेता है और कॉन्टेक्ट दैट टू एक्सपेल द एयर आउटसाइड. और क्या करता है, एयर को बाहर छोड़ता है. द कम्प्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व ऑल द मसल्स ऑफ द हेड. इसमें क्या क्या होता है, कौन सी रेस्पिरेशन प्रोसेस, ऑल द मसल्स ऑफ द हेड के जो है और नेक की, थ्रॉक्स एंड अब्डोमेन. इट एडिशन इज टू इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ लैरिंक्स, ट्रेशिया एंड बॉन्ची. ये चीज़ें काम करती है. हाउएवर द मेन मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द नॉर्मल ब्रीथिंग आर द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विच आर स्टेटेड बिलो. डायफ्राम का क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन मतलब अंदर लेना सांस को और एक्सपिरेशन मतलब बाहर छोड़ना. ये आपको नीचे डायफ्राम में दे रखा है. कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही है, नोजल कैविटी यूज हो रही है, फ्रेक्स हो रही है, लेरेक्स हो रही है, ट्रेशिया हो रही है, ब्रॉन्चिस हो रही है, लंग्स हो रहा है और ब्रॉन्चिस की वो चीज़. ये सब चीज़ें किस में यूज, रेस्पिरेशन सिस्टम में यूज. इंस्पिरेशन व्हेन वी इंस्पायर और इनहेल द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली टू एक्सपांड द चेस्ट कैविटी. आप जैसे ही आप किसी चीज़ से इंस्पायर्ड इंस्पिरेशन लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपका क्या है, चेस्ट मसल जो है, कैविटी है, वो एक्सपांड करती है, फूलती है. रिब्स एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. जो आपकी रिब्स है वो आउटवर्ड और अपवर्ड करती, फूलती है और आउटवर्ड की तरफ आती है, मूव करती है. विड्थ ऑफ द चेस्ट इंक्रीज फ्रॉम साइड टू साइड, फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. द डायफ्राम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मूव्स डाउनवर्ड. द डेप्थ ऑफ चेस्ट इंक्रीज. द कैपेसिटी ऑफ द थोरैक्स इंक्रीजेस. The pressure between pleural surface is reduced. Lungs expand to fulfill thoracic cavity. Air pressure within alveoli is now less than atmospheric pressure. It is sucked into alveoli from atmosphere. Expiration. When we exhale or expire, the internal intercostal muscle relax. Ribs and sternum move downward and inward. Diaphragm move upward. The depth of chest diminishes. The capacity of thorax decreases. जो आपकी capacity of thorax की वो कम हो जाती है सांस छोड़ते वक्त. द प्रेशर इंक्रीज एंड फोर्सेज एंड टू एयर गो आउट ऑफ द लंग्स. थैंक यू.